हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मनु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई पीछे खड़ी हुई है अपनी न्यू 2024 मॉडल NS125 और अपनी एक्सट्रीम 125 आर जो अभी 20 दिन पहले अपन ने परचेज की थी। तो इन दोनों ही बाइक का एक डिटेल्ड कंपैरिजन मैं करने वाला हूं कि कौन सी बाइक के अंदर क्या चीज़ मिल जाती है, कौन सी बाइक के अंदर क्या चीज़ मिसिंग रखी गई है, कौन सी बाइक के अंदर क्या चीज़ बेटर मिल जाती है, कौन सी बाइक का माइलेज अच्छा है, कौन सी बाइक की परफॉर्मेंस अच्छी है और कौन सी बाइक ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब चीज़ों के अंदर अच्छी है। तो चलिए कर लेते हैं अपनी वीडियो को शुरू। फ्रंट लुक से अगर बात करें तो दोनों ही बाइक के अंदर भाई अपने को एलईडी हेडलैम्प मिल जाते हैं, इसके अंदर एलईडी हेडलैम्प मिल जाते हैं, इसके अंदर अपने को दो छोटे प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, साइड में अपने को एलईडी हेडलैम्प मिल जाते हैं, यहाँ पे अपने को डीआरएल मिल जाते हैं, वहीं अपने को यहाँ पे भी डीआरएल मिल जाते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई इसके डीआरएल जो हैं वो इग्निशन ऑन करने पे नहीं जलते हैं, उसके डीआरएल जो हैं वो सिर्फ इग्निशन ऑन करने पे जल जाते हैं। उसके साथ साथ उसके अंदर अपने को एलईडी इंडिकेटर दिए गए हैं, साथ ही साथ हैजार्ड का ऑप्शन भी दिया गया है। इसके अंदर अपने को नॉर्मल अपने हैलोजन वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं जिसमें हैजार्ड का ऑप्शन अपने को नहीं मिलता है। फ्रंट मडगार्ड की बात करें तो यार इसका मडगार्ड दिखने में काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रहा है, कार्बन फाइबर वाला फिनिश दिया गया है और जो सस्पेंशन है सस्पेंशन की क्वालिटी भी सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। ब्रेकिंग की बात करें तो भाई डिस्क ब्रेक सामने की साइड में अपने को मिल जाता है, पीछे अपने को ड्रम ब्रेक मिल जाता है। सामने का जो टायर है टायर साइज आपको 80/117 का टायर साइज मिलता है। वहीं अपन एक्सट्रीम की बात करें तो यहाँ पे एक्सट्रीम के जो सस्पेंशन है वो एवरेज से ज़्यादा बेटर है, मतलब सेगमेंट में काफ़ी बेस्ट सस्पेंशन इस बाइक के अंदर अपने को देखने को मिल जाते हैं। वहीं ब्रेक की बात करें तो सेगमेंट के अंदर सबसे बेस्ट ब्रेकिंग इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें अपने को भाई ABS मिल जाता है, साथ ही साथ अपने को जो डिस्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल जाता है। उसके साथ ही साथ भाई अपने को फ्रंट में 90 का टायर मिल जाता है, 90/17 का टायर मिल जाता है, जो कि एक और प्लस पॉइंट अपनी एक्सट्रीम की तरफ भाई लेके आ जाता है। अब दोनों ही बाइक के मीटर की बात करें तो भाई इसका मीटर मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया हुआ है कि कैसा मीटर है, धूप के अंदर थोड़ा कम विजिबल होता है, वो मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा। इसका जो मीटर है इसका मीटर भी ऐसा ही है कि धूप के अंदर थोड़ा सा कम विजिबल हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सट्रीम से ज़्यादा बेटर लगता है ये मुझे। और साथ ही साथ इसके जो फीचर्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, स्मार्ट कनेक्ट का ऑप्शन भी इसके अंदर अपने को देखने को मिल जाता है और भी बहुत सारे ऑप्शन अपने को इस बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं, मीटर के अंदर बहुत सारे फीचर दिए गए हैं। उसके साथ ही साथ भाई क्लिप ऑन हैंडल बार जो दिया गया है ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को ये वाला हैंडल पसंद है या फिर ये वाला जो पाइप वाला हैंडल होता है ये वाला पसंद है, वो चीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ भाई अपने को यहाँ पे जो किल स्विच का ऑप्शन मिलता है, उसके साथ साथ यहाँ पे सेल्फ का ऑप्शन मिलता है, अपने को भाई एक सिंगल स्विच के अंदर ही तीनों चीज़ कंबाइन दी गई है। और टैंक की क्वालिटी की बात करें तो भाई इसके पैनल की क्वालिटी मुझे एक्सट्रीम के पैनल्स की क्वालिटी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी है, क्योंकि इसके जो पैनल्स हैं वो भाई काफ़ी सॉलिड से फील होते हैं। वहीं अगर इसके पैनल्स की बात करें तो ये वाला पैनल भाई हिलता है, डेफिनेटली हिलता है, ये आप देख लीजिए। मैंने इसकी बिल्ड क्वालिटी में और एक जो नेगेटिव पॉइंट्स वाली वीडियो थी उसमें बताया था, तो भाई काफ़ी भाइयों के नेगेटिव कमेंट आ रहे थे कि ऐसा नहीं होता है वगैरह वगैरह। तो भाई मेरे पास भाई के मुझे एक्चुअल में पता है कि पैनल की क्वालिटी कैसी है, मुझे ख़राब लगी है इसीलिए मैंने ख़राब बताया है। बाकी आप लोग परचेज करना चाहो तो परचेज कर लो, आप लोगों को खुद पता चल जाएगी वो चीज़। इंजन की बात करें तो दोनों ही बाइक के अंदर 125 cc का इंजन मिल जाता है, इसमें भी 125 cc का इंजन मिल जाता है। एक्सट्रीम का जो इंजन है ये 10.5 PS की पावर एंड 11.4 Nm का टोर्क जनरेट करता है, वहीं जो अपना NS का इंजन है ये 12 PS की पावर और 11 Nm का टोर्क जनरेट करता है। तो भाई पावर काफ़ी अच्छी खासी दी गई है इसके अंदर, 1.5 PS की पावर एक्सट्रीम से ज़्यादा मिल जाती है, जो इसको थोड़ा सा फास्ट बना देती है भाई सेगमेंट में। सीट की बात करें तो दोनों ही बाइक के अंदर अपने को स्प्लिट सीट दी गई है, लेकिन ये वाली जो सीट है ये मुझे थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी, क्योंकि यहाँ पे पिलियन के लिए भाई ये वाला जो पोर्शन दिया गया है ये थोड़ा स्लिप होने से बचाता है, वो भाई इसके अंदर नहीं दिया गया। इसके अंदर आगे की साइड में स्लाइड होते हैं, डेफिनेटली स्लाइड होते हैं भाई, मैंने एक्सपीरियंस किया है ये चीज़। रियर सस्पेंशन की बात करें तो दोनों ही बाइक के अंदर मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, यहाँ पे भी माई मोनोशॉक सस्पेंशन है, इसके अंदर भी अपने को मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, जिनकी दोनों की क्वालिटी लगभग सेम है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आता है, वो ये है कि भाई इस वाली बाइक के अंदर अपने को 100/90/17 का टायर मिलता है, जो पीछे वाला टायर है पल्सर के अंदर अपने को 100 mm का मिलता है, वहीं अपने को पीछे वाला जो टायर है वो एक्सट्रीम के अंदर 120 mm का मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा वाइड दिखता है, ग्रिप भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है और लुक को भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देता है। तो ये एक प्लस पॉइंट और एक्सट्रीम अपने साथ लेके आ जाती है। एक्सट्रीम के अंदर अपने को ये टायर गार्ड मिल जाता है, जिसके अंदर मतलब एक तरीके से सेफ्टी गार्ड ही है ये, लेकिन यहाँ पे अपने को लेडीज़ फुटरेस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है, टायर अगर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सा है। वहीं अपने को पल्सर के अंदर यहाँ पे अपने को लेडीज़ फुटरेस्ट मिल जाता है, साड़ी गार्ड भी मिल जाता है, टायर हगर भी मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा सही है भाई। मतलब एक तरीके से लेडीज़ फुटरेस्ट तो यार होना बनता है, 125 cc की बाइक आप ले रहे हो तो उसके अंदर यार लेडीज़ फुटरेस्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि फैमिली में भी डेफिनेटली हर कोई यूज़ लेने वाला है। रियर लुक की बात करें तो दोनों ही बाइक का रियर लुक
अपने हिसाब से भाई बहुत बेस्ट है। ये पल्सर का लुक हमेशा अपने साथ लेके चलती है। वहीं एक्सट्रीम के लुक की बात करें तो एक्सट्रीम का रियर लुक भी भाई काफ़ी ज़्यादा शानदार लगा है। तो भाई ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे जिसको मैंने एक छोटी सी वीडियो के अंदर कवर कर दिया। अब ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूँ कि कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है तो माइलेज भी आप लोगों को दोनों बाइक का पता होगा क्योंकि माइलेज टेस्ट की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। दोनों ही बाइक का माइलेज भी काफ़ी अच्छा है और प्राइस के अंदर भी कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लगभग 5-6 हज़ार रुपये महंगी पड़ती है अपने को। 125 NS 125 है दोनों। 125 NS 125 5-6 हज़ार थोड़ी महंगी पड़ती है लेकिन बाइक क्वालिटी भी देती है वो। ओवरऑल दोनों ही बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप जो भी बाइक चाहे परचेज कर सकते हो लेकिन मुझे पर्सनली भाई NS 125 ज़्यादा पसंद आई है। आप लोगों को कौन सी बाइक पसंद आई वो चीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।